संसद के अंदर रमेश भिदुड़ी जिस तरीके के बयान देते हैं, मुल्ला तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, भिदुड़ी ने जो कुछ कहा है उससे पहले उस मुल्ला एमपी ने क्या बकवास की है पार्लियामेंट के अंदर, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट में कोई मेरी माँ को गाली देगा, मेरे सनातन को गाली देगा और मुझे उकसाएगा, तो मैं रोटी खाता हूँ, चुप तो रहूँगा नहीं। तो जो भी लोग अमर्यादित भाषा का उपयोग करके हमारे लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उनको तो उनकी भाषा में जवाब देना ही पड़ेगा। दानिशली कह रहे हैं, इस बयान के बाद मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, बहुत परेशान हूँ, कमरे में अपने आप को बंद कर लूंगा। कौन दानिशली कह रहे हैं? मुझे क्या, मैं तो समझता हूँ उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जिन लोगों ने खुलेआम वंदे मातरम का विरोध किया, जिन लोगों ने खुलेआम भारत माता का विरोध किया, जिन लोगों ने खुलेआम भारत माता को डैन कहा और यहाँ ठाठ से रह रहे हैं, अगर उनको मात्र भिदुड़ी जी के दो शब्द कहने से इतना ही उनका डैमेज हो गया फिजिकली, तो भाई मैं सलाह देता हूँ पाकिस्तान जाओ या अफगानिस्तान जाओ, ऐसे लोग हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, सर सांसद है शफीकुर रहमान बर्क जी, सर वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है और कभी भी संसद के अंदर वंदे मातरम शब्दों का इस्तेमाल, वंदे मातरम किसी के खिलाफ नहीं, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों के लिए। जय भगवान जी। आज के बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके के बयान दे रहे थे, क्या कुछ कहेंगे उनको लेकर? देखिए, चाहे उदयनिधि है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य है, चाहे प्रियंका खड़के है, चाहे चाहे वो चंद्रशेखर है, इन सब लोगों ने लगता है अपनी अपनी पार्टियों से, अपने अपने संगठनों से सनातन को गाली देने की सिफारिश ले रखी है, और ये जानबूझ के अपने दलों के नेताओं को, अपनी पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए ऐसे कुकर्म कर रहे हैं। पर आज सनातन का ध्वज पूरे देश में लहरा रहा है, आज सनातनी संतों के मार्गदर्शन में हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं, और हमने यहाँ पर तमिलनाडु भवन पर प्रदर्शन करके, ज्ञापन देके, पुतला जला के ये मैसेज देने की कोशिश की है कि सनातन का विरोध अब हम नहीं सहेंगे। सनातन के सम्मान में हर हिंदू मैदान में, हम लोग मैदान में आ चुके हैं, सनातन का विरोध करना बंद करो और सनातन का विरोध जो आपने किया है उसके लिए संतों से माफी मांगो, अन्यथा आपको हर मंच पे इसका डट के विरोध करना पड़ेगा। दलित समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं के मंदिर में हमें भी जाने की परमिशन दी जाए, हम भी पुजारी बनना चाहते हैं। देखिए, हमारे सनातन में कोई जातीय भेदभाव नहीं, पिछले कोई जातीय भेदभाव नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो वेदों का, शास्त्रों का, सनातन का, हमारी पूजा पद्धति का ज्ञाता है, जानकार है, उस हर हिंदू को मंदिर का पुजारी बनने का, मंदिर में पूजा करने का अधिकार है। ऐसे कोई नहीं है कि फलां जाति का बनेगा, फलां जाति का नहीं बनेगा, ये सब इन लोगों का सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार है। सर, हिंदू दलित समाज ये भी कह रहा है कि हम अपने आप को हिंदू इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमें दलित के नाम से पुकारा जाता है, हमें हिंदू कहा ही नहीं जाता है। देखिए, कोई दलित ये बात कहने वाला नहीं है, हमारे तो एक से एक नेता दलित उच्च पदों पर पहुंचे हैं और आज भी हैं, मगर ये वही लोग हैं जो दलित समाज, हिंदू समाज, बनिया समाज, ब्राह्मण समाज के नाम पे समाज को भड़का करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और समाज को जातियों में बांटना चाहते हैं, मगर समाज उनकी सब बात को समझ चुका है, उनके किसी बात में आएगा नहीं और इनको मुंह तोड़ जवाब हमारा सनातनी इकट्ठा होकर अवश्य देगा।